वचन देता हूँ, प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा वचन भंग हो गया। इधर गोपाल, ये क्या हो गया मुझसे? कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे मुंह से निकले शब्द पत्थर की लकीर बन जाते, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, पर आज ये कैसा अपराध हो गया मुझसे? नहीं कुंवर सा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप दुखी मत होइए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, आपने तो मेरे प्राण बचाने के लिए मेरा हाथ थामा, इसमें कोई अपराध नहीं है। मेरा वचन मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। आपकी प्राण रक्षा का मैं कोई और उपाय भी सोच सकता था, किंतु मैंने क्या किया? इधर गोपाल के सामने दिया वचन उनके सामने ही तोड़ दिया। नहीं नहीं, ये अपराध है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं कुंवर सा, मेरी बात तो सुनिए। मैंने जो किया वो अपराध है, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अब मेरा अपराध। नहीं कुंवर सा, ऐसा मत कहिए, आपने कुछ नहीं किया। मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं कुंवर सा, मेरी बात सुनिए। कुंवर सा, कुंवर सा, दरवाजा खोलिए। कुंवर सा, वचन तोड़ने का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। खोलिए। मैं वचन देता हूं, प्रभु की इस मीरा को मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। कुंवर सा, मेरी बात सुनिए, आपने कोई पाप नहीं किया। वचन तोड़कर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। कोई वचन नहीं तोड़ा आपने, आपने तो मेरे प्राण बचाए हैं, ऐसा मत कीजिए। खोलिए द्वार। अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे, कोई अधिकार नहीं है मुझे। वचन तोड़कर जीवित रहने का कोई हक नहीं है मुझे। व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ। मीरा बाई के प्राण बचाने की खुशी भोजराज की वचन भंग करने के दुख को ना भर सकी। ग्लानी ने ऐसा आघात किया उन पर कि वो कुछ दिन तो अपने कक्ष में ही बंद रहे। फिर सबके कहने पर जब द्वार खोला तो स्थिति अच्छी ना थी। घाव भरने से जो स्वास्थ्य सुधरने लगा था वो फिर बिगड़ने लगा, और कुछ ही समय में ऐसी स्थिति हो गई कि वो फिर से चलने फिरने में असमर्थ हो गए। और फिर एक दिन उनकी स्थिति कुछ अधिक ही बिगड़ गई। ये हाथ जिसकी वजह से मेरा वचन भंग हुआ, इसे मेरे शरीर से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए, आवन भाव से किया हुआ कोई भी कार्य भला पाप कैसे हो सकता है? इसीलिए आप ग्लानि ना करें, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, और वैसे भी आप सदा अपने वचन पर अटल रहे, कभी मन को मैला नहीं होने दिया, तो फिर ग्लानी क्यों? आप इस दुख को अपने मन से दूर कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए कुंवर सा। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इस कलयुग में पत्नी के सम्मान में अपनी इच्छाओं का त्याग कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है।
भोजराज संसार के सामने एक महान उदाहरण थे, किंतु उनकी यही महानता अब उन्हीं पर हावी हो रही थी। भोजराज को मीरा समझाती रही पर वो ना समझे और स्वयं को कोसते हुए अपनी मृत्यु की कामना करने लगे। आप मित्र भोजराज, आपको विश्राम करना चाहिए। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। मित्र भोजराज, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे साथ चले। कुंवर साहब, आप यहां क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। कुंवर साहब, मेरे बुलाने पर आप तो आ जाते, पर ये कहां थे? नहीं कुंवर साहब, ऐसा मत कहिए। भक्त जब भी पुकारते हैं प्रभु दौड़े चले आते हैं। आते हैं, पर आप जैसे महान भक्त की पुकार पर, आपकी महानता ही है ना कि मेरे वचन तोड़ने पर आपने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु अब इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता। मैं चाहता हूं मैं अपने प्राण त्याग दूं। वैसे भी मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। आप ऐसा मत कहिए। नहीं मेरा भाई साहब, आप कुछ मत कहिए। मैं आपसे पहली और अंतिम बार कुछ मांगना चाहता हूँ, मना मत कीजिएगा। मैंने आपको गुरु माना, गुरु गोविंद तक पहुंचाते, मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए, मुझे गिरधर के दर्शन करवा दीजिए। आप तो परम भक्त हैं उनकी, मेरी गुहार गिरधर तक पहुंचाइए। यदि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ तो गिरधर मुझे दर्शन दे, इतनी कृपा करवा दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी अपने गिरधर से, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूंगी। इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते रहते हैं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वार्थ था, मैं सच्ची भक्ति का मर्म समझना चाहता था जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है, आप मेरी पत्नी हैं, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु। गुरु होने का धर्म निभाया मीरा ने, भोजराज को गोविंद से मिलवाया।
किंतु भोजराज के चले जाने के पश्चात मीराबाई के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने वाली थीं। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़ ने अनेकों योद्धाओं को खोया। पहले राणा सांगा जी का देहांत हुआ, फिर मीरा के देवर राणा रतन सिंह की भी मृत्यु हुई। बस उनके छोटे देवर विक्रमादित्य ही बचे, जो राणा की उपाधि लेकर चित्तौड़ पहुंचे। किसी बात पे इतना भयभीत हो जाना चित्तौड़ के सैनिक को शोभा नहीं देता, और जो अपने स्थान पर उचित नहीं होता उसे मैं वहां रहने नहीं देता। चित्तौड़ के सैनिकों में बल चाहिए, साहस चाहिए, कौशल चाहिए, और अगर वो उसमें नहीं है तो उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी महाराज, इस सैनिक के स्थान पर उचित सैनिक को रखा जाए। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। जाओ। अब यहां पे सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे हमारे परिवार और हमारे राज्य को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, और मैं किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य नियम, मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर बहुत कठोर थे, और ये मीराबाई के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करने जा रहा था। भाभी सा नहीं दिखाई दे रही, उसे भेंट करनी थी, उसे आशीर्वाद लेना था। अरे क्या हुआ, मीरा भाभी सा का नाम सुनती सांप क्यों सूंघ गया? अरे कोई बताएगा मीरा भाई सा कहां है? क्या ये मीरा भाई सा की आवाज? वो भजन गा रही है। चित्तौड़ की राज परिवार की बहू को ये सब शोभा नहीं देता तो वो इस प्रकार गाना गाएंगी? क्या उनको ये नहीं पता हमारे परिवार की मर्यादा और नियम क्या है? भाई साहब, भाभी साहब के लिए उनके गिरधर गोपाल के साथ संबंध से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और जब प्रभु प्रेम में रमती है ना तो उन्हें किसी भी नियम किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। चित्तौड़ के राज परिवार की नियमों की अवहेलना करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे फिर वो मीरा भाभी सा ही क्यों ना हो। जी सा, इन्हें कुछ मत कहिए, दुखों का पहाड़ टूटा है इन पर। ना माता पिता रहे, ना पति, अपना मन भक्ति में लगाकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। हमें उन पर क्रोध करने की जगह उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें इनकी स्थिति, इनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
राम राणा विक्रमादित्य सा। अच्छा किया जो चित्तौड़ आते ही आप सीधे मेरे गिरधर गोपाल के पास आ गए। अब आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा जो चित्तौड़ के सुशासन में आपकी मदद करेगा। सुशासन तो तभी होगा जब अनुशासन होगा, और चित्तौड़ में अनुशासन राज परिवार से आरंभ होता है। आपके दुखों को देखकर हमने आपकी भूलों को माफ कर दिया। चित्तौड़ का ये राजा अगली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। वो विरले होते हैं जो अपने वचन के पालन हेतु प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।